गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम शंभू सर, यू आर माय टीचर। वेलकम बैक टुडे। वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 2.5। फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव विच इज ग्रेटर। प्रीवियस क्लास मीन लास्ट क्लास में भी हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस किया था, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था। सिमिलर सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेकेंड वी हैव 0.5 और 0 0। फर्स्ट वन, इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है बेटा कि आप नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल कर लें। जैसे 0.5 है और ये है आपका 0.005। यहाँ डेसिमल के बाद देखें तो टू डिजिट है, तो यहाँ सिंगल डिजिट है, तो आप ये देखें। तो फर्स्ट वन देखें, ये 0 तो 0 है। अब लास्ट यहाँ से फर्स्ट वन आपको चेक करना है डेसिमल टू, ये डेसिमल के किस साइड से चेक करना है आपको, डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड चेक करना है कि वहाँ आपका किस तरीके से। अगर लाइक दैट देखें, ये 2 होता, ये जैसे 2.35 है और ये 1.45 है, तो ये डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड देखें तो 2 और 1 तो यहाँ इजिली हम यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, है ना। और अगर ये इक्वल होता है तो फिर हम डेसिमल के राइट हैंड साइड जाते हैं, फिर वहाँ कंपेयर करते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ 50, ये एक्चुअल में ये क्या है 50 हुआ और ये 5 हुआ, तो ऑब्वियसली विच इज ग्रेटर, तो 50 इज ग्रेटर। तो हम देखते हैं हमने क्या किया है, फर्स्ट वन 0.5 को 50 और 0.05, तो ये अंडरस्टूड है आपका कि 0.50 इज ग्रेटर देन 0.0। मीन्स जो 50 है, 0.5 है, ये ग्रेटर होगा 0.05 से। क्लियर। चलिए और एक आधो क्वेश्चन देखते हैं। हाँ सी, वेरी गुड। तो आप देखिए सी है हमारा 1 और 0.5, तो हम देखते हैं इसको भी क्या करना है सिमिलर। आप देखें तो इसको कंफ्यूज नहीं होना, 1.0 लिख लिया आपने। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि सर आपने बोला था 1 है और 1 के बाद अगर 0, अब आपने यहाँ तो 0 डायरेक्ट पुट किया था, तो वो डेसिमल के बाद का कॉन्सेप्ट है। डेसिमल के बाद आप नंबर ऑफ 0 अपने आप से इंक्रीज कर सकते हैं, बट डायरेक्ट नहीं। ये 1 है, ये 10 हो जाएगा, मीन्स उसका वैल्यू 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, वो तो पॉसिबल नहीं है। तो वहां आप अगर डिजिट को इक्वल करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट इक्वल करना चाहते हैं, तो डेसिमल पुट करके आप 0 पुट करते हैं। ठीक है, डेसिमल पुट कर लिया और 0, और आपका ये चल रहा है 0.05। अब हम देखें डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये 1 है और ये 0 है, तो इसको कंपेयर कर लें तो ऑब्वियसली 1 इज ग्रेटर, मींस 1.0 इज ग्रेटर देन टू 0.5। क्लियर हुआ क्या करना है, डेसिमल पे ज्यादा फोकस करना है, डेसिमल पुट कर लेना, अगर नहीं करेंगे तो 10 हो जाएगा। क्लियर, तो वहां से आप कंफ्यूज नहीं होना। चलिए इसके बाद हम देखें डी है हमारा 1.39 और 1.40। क्लियर। चलिए तो सर ये तो इक्वल डिजिट है, तो 1.39 और 1.40, ये 1 और 1 तो इक्वल हुआ। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाते हैं, ये डेसिमल है, डेसिमल के इधर ये लेफ्ट है और ये इधर है राइट। फर्स्ट वन आप लेफ्ट वैल्यू को चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को चेक करते हैं, कंपेयर करते हैं दैट वन, वहाँ आपको कंपैरिजन नहीं मिलता है, वहाँ आप ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा नंबर लेस देन है, ग्रेटर देन है और इक्वल है, दैट वन आप राइट हैंड साइड की वैल्यू को चेक करते हैं। तो आप देखते हैं 39 एंड 40 या 3 और 4, तो ऑब्वियसली 39 से जो है 40 ग्रेटर होगा, मींस 1.40 ग्रेटर देन टू 1.39। क्लियर। चलिए और थोड़ा सा देख लें, और एफ को और देख लें। एफ है आपका 1.352 और 1.350, तो आप देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड के वैल्यूज को, तो 1 है तो 1.352 और 1.350, 1 और 1 यहाँ इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड से। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू देखते हैं, ये 3 भी इक्वल है, 5 भी इक्वल है, तो 2 मींस आपको 2 ये डिसाइड कर रहा है कि ये 352 जो है वो ग्रेटर है, मींस 1.352 इज ग्रेटर देन टू 1.3 सॉरी 5 0। क्लियर।
ये तो हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है उसका थोड़ा सा आपको हिंट कर देते हैं। सॉरी, ये आपका क्या हुआ है आंसर, क्लियर। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन जो है आपका सेकंड क्वेश्चन है कि आप पैसे से किसी भी वैल्यू को पैसे से किसमें कन्वर्ट करेंगे, तो रुपये में। तो वी नो दैट 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपी, 1 रुपी ऐसा वाला रुपी लिख लीजिएगा, ठीक है। तो लाइक दैट मुझे 50 पैसे को कन्वर्ट करना है, तो 50 पैसे वी नो दैट 100 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपी, तो आप डायरेक्ट कॉन्सेप्ट रखेंगे 1 पैसे इक्वल्स टू 1/100 रुपी। That one 50 पैसे है, तो 50 पैसे means 50 पैसे equals to क्या होगा, 50 divided by 100 रुपी, 100 sorry upon रुपी। आप देखिए यार, नंबर आप 02 है तो 2 digit after decimal put करते हैं तो मिलेगा आपको 52.0 रुपी, क्लियर। इतना क्लियर है, चलिए इस पर बेस्ड इस क्वेश्चन अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज में करते हैं, और सॉरी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।